कोरोना को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों में कोरोना को लेकर डर का माहौल नजर आ रहा है। बांदा जिले में पुणे से आए दो युवक जिला अस्पताल पहुंचे। दोनों ही युवक खुद को कोरोना से संक्रमित होने की बात कह रहे थे। दोनों युवकों को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और दोनों को कोरोना संदिग्ध के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। हालांकि डॉक्टरों ने दोनों युवकों को कोरोना से ग्रसित होने की बात से इनकार किया है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने दोनों युवकों के टेस्ट करा लिए हैं और आगे की स्थिति भी जांचों की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगी, ऐसा कहा है। हाँ, जांच कराई थी। तो क्या बोल रहे थे वहाँ डॉक्टर? वो आपको मुझे बोला कि आप कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाए, उसमें मुझे सिरप दिया गया था खांसी का और दो टैबलेट दी गई थी बुखार का। फर्स्ट टाइम इधर ही आया कोरोना वायरस? नहीं, अभी कोई कंफर्म बात नहीं है ये कि उसको कोरोना है। मैं परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सर नॉर्मल सर्दी जुकाम उसको भी है, लेकिन हाँ वो ऐसे जगह से आया है जहाँ पर इस समय भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे से आया हुआ है, इसीलिए सस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई हो सकता है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि इसे कोरोना है ही, इसलिए इसको मेडिकल कॉलेज में जाँच के लिए भेजा CMS साहब।